असलम बैरिया टाउन कराची से मैं हूँ सैयद हुसैन अली और आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको बैरिया टाउन टू की रेट लिस्ट के बारे में अपडेट करना है जैसे आज फिफ्थ जनवरी है और आज ही रेट लिस्ट आई है पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से दे दें बी टी के टू नूरियाबाद के सराउंडिंग्स में लोकेटेड है बैरिया टाउन कराची से ये थर्टी टू थर्टी फाइव किलोमीटर्स की ड्राइव के ऊपर है और एम नाइन की ड्राइव के ऊपर है दैट मीन्स अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स की आपकी ड्राइव है और आज ही इसके रेटलिस्ट अनाउंस हुई हैं जिसके अंदर रेजिडेंशियल कैटेगरी भी है कमर्शियल कैटेगरी भी है इसके अलावा वन स्क्वायर यार्ड्स का विला भी है अदर देन दिस जो बाकी अगर कोई और नई इनकी कैटेगरी आती है तो वो इन नियर फ्यूचर वो भी अनाउंस हो जाएगी तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेजिडेंशियल कैटेगरी की उसके अंदर चार सब कैटेगरीज हैं वन ट्वेंटी फ़ाइव स्क्वायेर यार्ड्स टू फिफ्टी स्क्वेयर यार्ड्स फाइव हंड्रेड स्क्येर यार्ड्स एंड थाउजेंड स्क्वायर यार्ड्स तो सबसे पहले अगर बात की जाए 125 ट्वेंटी फाइव स्क्र की उसके अंदर जो टोटल प्राइस है दैट इज़ 44 फोर लाख नाइन्टी नाइन डाउन पेमेंट उसकी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ है 4 लाख नाइन्टी टू बी एग्जैक्ट और रजिस्ट्रेशन फ्री है टेन थाउजेंड रुपीज़ अदर दैन दैट फॉर्म फ्री है थाउजेंड रुपीज़ और इसकी फोर ईयर्स की जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है दैट इज़ अराउंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो ये अगेन टोटल प्राइस आपको बताते चलें फोर फोटी फोर लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ टू फिफ्टी स्क्वेर के जो प्लॉट्स हैं इसकी जो टोटल प्राइस है दैट इज़ सेवेंटी फाइव लाख रुपीज़ अलेवन परसेंट इसकी डाउन पेमेंट है जो कि अराउंड आठ लाख के ,00 करीब करीब बनता है उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है दैट इज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ फॉर्म फ़ी थाउजेंड रुपीज़ और इसकी जो डाउन पेमेंट सॉरी इसका जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है फोर ईयर्स की दैट इज़ फोर लाख ऑलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ फिर फाइव हंड्रेड स्क्वेर यार्ड जहा जाता है उसकी टोटल प्राइस वन करोड़ थर्टी लाख रुपीज़ है डाउन पेमेंट उसकी नाइन लाख नाइन्टी नाइन थाउज़ेंड रुपीज़ है टेन थाउजेंड रुपीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है थाउज़ेंड रुपीज़ फॉर्म फ़ी और उसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है दैट इज़ अराउंड सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ फिर थाउजेंड स्क्वेयर यार्ड्स की कैटेगरी आ जाती है रेजिडेंशियल में ही तो उसकी जो हमारे पास टोटल प्राइस है दैट इज़ अराउंड टू करोड़ ट्वेंटी फ़ाइव लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट उसकी आ जाती है ट्वेंटी लाख रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी अगेन टेन थाउजेंड एंड फॉर्म फ़ी अगेन थाउजेंड रुपीज़ और अब अगर इसके हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो अराउंड बारह लाख ऑलमोस्ट थर्टीन लाख तक बनता है तो आप अब इसके अंदर ये देखें जैसे हमने आपको पहले बताया था कि 8 टू 11 परसेंट के दरमियान इसकी डाउन पेमेंट होगी और आप अगर इनका ख़ुद भी निकालें क्योंकि हम तो कैलकुलेट करके बैठे हुए होते हैं तो वो 8 से अलेवन अलेवन परसेंट के दरमियान में ही सारों की अब तक फ़ीस आ, आ रही हैं डाउन पेमेंट जो है अब आपको बताते चलें जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वन स्क्वायर यार्ड के विलास का तो वन स्क्वायर यार्ड का जो विला दे रहे हैं थ्री बेड एकोमोडेशन उसकी प्राइस आ, वन करोड़ फिफ्टी लाख रुपीज़ है वेयर एज़ उसकी डाउन पेमेंट जो है वो पंद्रह लाख रुपये है टेन थाउजेंड रुपीज़ अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड थाउज़ेंड रुपीज़ फॉर फॉर्म और इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो आठ लाख पचास हज़ार के पास पास बनती है एंड टू बी एग्जैक्ट एट लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ इसकी इंस्टॉलमेंट फी है अब आपको थोड़ा बहुत हम कमर्शियल्स के बारे में भी बताते चलें अब तक जो अनाउंस हुआ है दैट इज़ 125 ट्वेंटी फ़ाइव यार्ड्स एंड 250 फिफ्टी यार्ड्स तो जो 125 ट्वेंटी फ़ाइव यार्ड्स वाला जो कमर्शियल है उसकी टोटल प्राइस जो बन रही है दैट इज़ अराउंड टू करोड़ रुपीज़ और जो टू फिफ्टी यार्ड्स वाला है उसकी टोटल प्राइस बन रही है अराउंड थ्री करोड़ फिफ्टी लाख रुपीज़ और इनकी जो डाउन पेमेंट है एक की वन ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड्स वाले की बाईस लाख रुपए है और टू फिफ्टी यार्ड्स वाले की तीस लाख रुपए है एंड अगेन देन वही सेम प्रोसेस टेन थाउजेंड रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड थाउज़ेंड रुपीज़ फॉर ये जो इसका फॉर्म होता है उसकी और फोर ईयर्स अगर हम इनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ग्यारह लाख बारह हज़ार पाँच सौ रुपये Uh, वो 125 ट्वेंटी फाइव यार्ड्स की क्वार्टरली uh, इंस्टॉलमेंट है और ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ इसकी है 250 फिफ्टी यार्ड्स वाले की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो ये तो इस टाइम पर लॉन्चिंग प्राइस है इसके अंदर अक्सर चीज़ माइनस में भी जाती है अक्सर चीज़ uh, आपको ऑन की पर भी लेके जाती है बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के हिसाब से देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक हो सकती है आपके लिए वो आप इसको इस तरीके से देखें के बहरिया जब बी टी के लॉन्च हुआ था 2014 में तो उस टाइम के ऊपर लॉन्चिंग प्राइसेस कहाँ थी फिर आज के टाइम के अंदर आप अगर देखें जैसे मार्केट के अंदर क्रैश भी है उसके अंदर डोमेस्टिक रीजंस भी हैं उसके अंदर इंटरनेशनल रीजंस भी हैं तो आप अगर इन सारी चीज़ों को भी देखें वो मुड़ के अपनी लॉन्चिंग प्राइस तक आज तक नहीं आया और ही आएगा इसी तरीके से ये जिस प्राइस के ऊपर लॉन्च हो रहा है इस टाइम के ऊपर क्योंकि डीलर्स भी ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टर्स भी अपनी कैश फ्लो को इन आउट करते हैं तो इन सारी रीजंस की वजह से मे बी बीच में कुछ टाइम के लिए माइनस में भी जाए उसके अलावा कुछ टाइम के लिए ऑन के ऊपर भी जाए और श्योरली अभी कुछ टाइम के लिए इसने ऑन पर जाना है बट अगर आप इसको चार साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी मेच्योर होगी इसने आपको बहुत अच्छे गेंस देने हैं इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे और आपको अगर किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीरो थ्री हंड्रेड टेक केयर अल्लाफ